नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फोल्वाइट टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, फोल्वाइट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, कितने दिन तक लेना चाहिए और फोल्वाइट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फोल्वाइट टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन फोलिक एसिड 5 mg होता है। फोलिक एसिड शरीर में नई रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। रेड ब्लड सेल्स पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाती है। यदि शरीर में रेड ब्लड सेल्स पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती है तो शरीर में खून की कमी हो सकती है। फोलिक एसिड की कमी होने पर शरीर में कमजोरी होना, थकान होना, ध्यान लगाने में दिक्कत होना, सिरदर्द, घबराहट, जीभ और मुंह के अंदर घाव होना, हेयर फॉल होना, त्वचा का रंग पीला होना आदि लक्षण फोलिक एसिड की कमी होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा जिन व्यक्तियों में फोलिक एसिड की कमी होती है उन व्यक्तियों में डिप्रेशन होने का रिस्क भी अधिक होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए फोलिक एसिड को लेना बहुत जरूरी होता है। इससे होने वाले बच्चे का विकास अच्छी तरह से होता है और फोलिक एसिड कई जन्मजात रोगों से बचाव करता है। प्रेग्नेंट महिलाओं में फोलिक एसिड की कमी होने पर होने वाले बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे स्पाइना बाइफिडा और एनेंसेफली हो सकता है। स्पाइना बाइफिडा होने पर बच्चे की रीढ़ की हड्डी मां के गर्भ में अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाती है या अच्छी तरह से बंद नहीं हो पाती है और स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज में बाहर की तरफ एक उभार सा हो जाता है। स्पाइना बाइफिडा की वजह से बच्चे के पैरों में लकवा भी लग सकता है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए स्पाइना बाइफिडा का पता लगाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी जन्म के बाद ही स्पाइना बाइफिडा का पता चलता है। एनेंसेफली में बच्चे का दिमाग और सिर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। एनेंसेफली के साथ पैदा हुए बच्चे ज्यादा समय के लिए जीवित नहीं रहते हैं और ज्यादातर बच्चों की मृत्यु पैदा होने के कुछ घंटों बाद ही हो जाती है। इसके अलावा फोलिक एसिड बच्चे में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट से भी बचाव करता है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में बच्चे के होंठ या तालू अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं और उनमें एक कट लगा होता है। यह समस्या भी बच्चे को माँ के पेट में ही होती है, लेकिन इस समस्या को जन्म के बाद सर्जरी की मदद से ठीक किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फोल्वाइट टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति फोल्वाइट 5 mg टैबलेट को दिन में एक बार ले सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को फोल्वाइट टैबलेट को प्रेग्नेंट होने से 3 महीने पहले ही लेना शुरू कर देना चाहिए और प्रेगनेंसी के 12वें सप्ताह तक फोलिक एसिड टैबलेट को लेना चाहिए और प्रेग्नेंट महिलाएं प्रेगनेंसी के 12वें सप्ताह के बाद फोलिक एसिड को लेना बंद कर सकती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के 12वें सप्ताह तक शिशु की रीढ़ की हड्डी का विकास पूरा हो चुका होता है। इसलिए 12वें सप्ताह के बाद आप फोलिक एसिड को लेना बंद कर सकती हैं। हालांकि 12वें सप्ताह के बाद भी अगर आप चाहे तो प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने तक फोलिक एसिड की टैबलेट को ले सकती है। इससे मां या शिशु को कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप शरीर में फोलिक एसिड की कमी को प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से पूरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कच्ची हरी पत्तेदार सब्जियों, कच्चे फलों और काजू बादाम का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि फोलिक एसिड की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे फोलिक एसिड टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि फोलिक एसिड एक पानी में घुलनशील विटामिन है और शरीर में फोलिक एसिड की मात्रा ज्यादा होने पर यह पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है और शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका फोल्वाइट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।